ये भी बताऊंगा कि भगवान की शरण लेनी कैसे है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। जब गजेंद्र ने वो प्रार्थना की, तो भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंच गए। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, ये बात अगर आपके मन में ठहर गई, तो कल्याण हो जाएगा आपका। अगर ये वाली बात आपके मन में ठहर गई, ये जो तस्वीर में आप क्या देख रहे हो, ये जो गजेंद्र का नीचे पैर नहीं दिख रहा, ये पैर मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है और गजेंद्र मृत्यु के निकट है, मौत सामने दिखाई दे रही है इसको। लेकिन जब भगवान सामने आए, तो गजेंद्र ने यह नहीं बोला बचाओ, गजेंद्र झुका और तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और उसने भगवान को बोला, हे भगवान, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत दयालु हो, आप कृपा करके ये एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। गजेंद्र ने ये नहीं बोला मुझे बचाइए, मैं मरने वाला हूं, नहीं, गजेंद्र ने ये नहीं बोला। गजेंद्र ने भगवान के सामने आने पर अपने कष्टों के बारे में बात नहीं की। गजेंद्र ने भगवान के सामने आने पर भगवान की प्रशंसा करनी शुरू कर दी और भगवान को भेंट दी। तो जब हम पर भी कष्ट आए तो हाय हाय करते हुए भगवान से मांगना मत शुरू कर देना। जब कष्ट आएंगे तो कोई भेंट लेके भगवान के पास जाना, नहीं चला। उस समय जब आप पर कष्ट विपत्ति आएगी, उस समय अगर आपने भगवान को बोला, हे भगवान, आप बहुत सुंदर हो, और उस समय अगर आप भगवान के पास भेंट लेके चले गए, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा, भगवान की शरण कौन ले सकता है? सवाल यह है, भगवान की कौन व्यक्ति शरण ले सकता है? भगवान की कोई भी शरण ले सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की शरण नहीं ले सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है, एक शिकारी था व्याध, उसका नाम था धर्म। तो हमारे तो भगवान के भक्त पूछ रहे हैं भगवान से ही पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि आपने वो जो व्याध था धर्म, उस पर दया की थी, उसमें क्या खासियत थी? जो ध्रुव है, ध्रुव में कौन सी परिपक्वता थी? छोटा सा बच्चा था, आपने उस पर दया कर दी। गजेंद्र तो मनुष्य भी नहीं था, उसको ज्ञान भी नहीं था, आपने उस पर भी दया कर दी। कुब्जा के अंदर कौन सी सुंदरता थी जो आपने उस पर दया कर दी? सुदामा के पास कौन सा धन था जो आपने उस पर दया कर दी? सुदामा के पास कौन सा धन था? विदुर के पास कौन सी कुलीनता थी? कौन सा बड़े खानदान में पैदा हुआ था? दासी पुत्र तो था। तो सिर्फ एक गुण था इन सब लोगों में सिर्फ एक गुण था कि भगवान की भक्ति कर रहे थे। भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूँ। तो जब विपत्ति में आ जाओ, जब दुख में आ जाओ, तो भगवान की सुंदरता का बखान करना, भगवान को भेंट देना और फिर बोलना भगवान को, या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्रस्य मोक्षणे मई आरते
मई आरते करुणा मूर्ते सात्वरा क्व गता हरे, कि हे कृष्णा हे हरि, आपने द्रौपदी का तुरंत आपने उसकी रक्षा कर ली थी, तुरंत रक्षा कर ली थी आपने द्रौपदी की, आपने गजेंद्र का तुरंत कल्याण कर दिया था। मैं इतना इतना दुख में हूँ, मैं हम इतना दुख पा रहे हैं, अब आपकी वो जो फूर्ति है, अब जो तुरंत कल्याण करने की भावना है, अब सात्वरा वो जो त्वरित कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, सात्वरा क्व गता, कहाँ चली गई, हरे हे हरे हे कृष्णा कहाँ चली गई। इसका कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, चालू हो गया, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तो हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे शास्त्र, वो बता रहे हैं कि भगवान सब पर कृपा करते हैं, भगवान सब पर दया करते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे ईर्ष्या करने वाले लोग भी हैं, भगवान उन पर भी दया करते हैं। क्या भगवान ने शिशुपाल पर दया नहीं की? क्या भगवान ने कंस पर दया नहीं की? जब भगवान कंस और शिशुपाल जैसे लोगों पर दया करते हैं, तो भगवान हम पर दया क्यों नहीं करेंगे, हम पर भगवान दया क्यों नहीं करेंगे? और दूसरी बात यह है कि भगवान जब अपने से ईर्ष्या करने वालों पर भगवान दया कर रहे हैं, तो अगर कोई भक्ति भाव से भगवान की शरण लेगा, उनके साथ भगवान क्या करेंगे, उनको भगवान क्या फल देंगे, सोच ही नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है। तो जो ईर्ष्या कर रहा है उसमें दया कर दी, जिसने शरण ले ली उसके साथ भगवान उसको क्या फल दे देंगे, हम सोच ही नहीं सकते। तो जब गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की स्तुतियां की गजेंद्र ने, तो भगवान फौरन आए, भगवान ने अपने चक्र से वो मगरमच्छ का भी, भगवान ने एक ही तीर से दो निशाने किए, मगरमच्छ का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ भगवान के हाथ से मर के, उसको भी सदगति प्राप्त हुई और गजेंद्र का भी कल्याण हो गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो ईर्ष्या कर रहे हैं उन पे भी दया करते हैं, और जो भक्ति करते हैं उन पर भी दया करते हैं भगवान। ऐसे दयालु भगवान की कौन व्यक्ति शरण नहीं लेना चाहेगा, ऐसे दयालु भगवान की कौन शरण नहीं लेना चाहेगा, कौन ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करना चाहेगा। तो आप ये पूछोगे कि भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है, तो भगवान की भक्ति करने का सिर्फ तीन मतलब है, भगवान की भक्ति करने के तीन काम करोगे वो भगवान की भक्ति में शामिल हो जाएंगे। उसमें से दो काम तो आपको अपने शरीर के एक अंग से ही करने हैं, दो काम ऐसे हैं कि सिर्फ शरीर के एक अंग से ही करने हैं, अपनी जीभा से। पहला कार्य क्या है, जो खा रहे हो जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाकर खाओ, जो भी खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ। और दूसरी बात अपनी जबान से, अपनी जीवा से करो कि सदैव भगवान के दिव्य नामों का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और तीसरा काम करो जो वैष्णव हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी सेवा करो, उनका संग लो, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे प्रश्न पूछो। जैसे कई लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं, कई लोग हम लोगों को बोलते हैं कि आप माला करो, भगवान के नामों का जप करो, वो बोलते हैं कि हमें इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम कर नहीं सकते,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली दफा ये बात सुनी, अरे जब इच्छा हो रही है क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बोला, देखो हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग मदिरा पान करते हैं, हम लोग मांस खाते हैं, इसीलिए हम भगवान का नाम नहीं लेते, इसीलिए हमें डर लगता है भगवान का नाम लेने में। अरे अगर मांस खाना है खाते रहो, अगर मदिरा पीनी है पीते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेने में ये रुकावटें नहीं हैं। और जब आप भगवान का नाम लोगे, ये मांस, ये मदिरा, ये चाय, ये प्याज लहसुन, जितनी भी खराब चीज़ें हैं, तमोगुणी वस्तुएं हैं, ये अपने आप छूट जाएंगी धीरे धीरे। सिर्फ इन तीन बातों पे अपना ध्यान लगाओ, भगवान का नाम जपो, जो भी खा रहे हो भगवान को भोग लगा कर खाओ, और वैष्णवों का संग करो, वैष्णवों की सेवा करो। ये तीन काम करने के लिए ही शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार में इस्कॉन के मंदिर बनाए हैं। इस्कॉन के मंदिर इसलिए नहीं बनाए कि मूर्ति दिखाकर आपसे पैसे ले लें, या फिर रोज सुबह शाम बोलते रहें सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये नहीं करते इस्कॉन में। हम जो इस्कॉन के मंदिर हैं वहाँ पर आप आओगे, आपको आपके हित की बात बोलेंगे, आपको ऐसी बात बोलेंगे कि आप पुण्य कर्म अर्जित नहीं करो, आप सुकृति अर्जित कर लो, आप सुकृति कमा लो, और ऐसी सुकृति कमा लो कि इसी जीवन में शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल जाए आपका। अब आपने इतने धैर्य से ये पूरी कथा सुनी है, आपको इसका फल दे देता हूँ, आपको इसका फल दे देता हूँ, आपको इतने धैर्य से ये कथा सुनने का। तो भागवतम में बताया गया है, ये माम, ये भगवान कह रहे हैं, ये माम स्तुवंती अनेनांग प्रति बुद्ध्या निशात्य। ये निशात्य का मतलब है निशा के अंत में, रात के अंत होने पर सुबह सुबह 4 बजे निशात्य। ये जो इस कथा को सुनता है और जो रात्रि के अंत में सुबह उठकर मेरा नाम लेता है, ते शाम प्राणात्य। ये प्राणात्य ये का मतलब है जीवन के अंत में, ते शाम उन लोगों को जो रात्रि के अंत में उठ के मेरा नाम लेते हैं, जीवन के अंत में ते शाम चाहम ददामी विपुलाम गति, उनको उनके प्राणों के अंत के समय मैं उनको विपुल गति प्रदान करूंगा, और विपुल गति का मतलब है उनको मैं अपने धाम लेकर चला जाऊंगा, उनको मैं अपने धाम लेकर चला जाऊंगा। यही कारण है प्रभु, आपने कनेक्ट किया, इससे चालू है। यही कारण है कि इस्कॉन में पूरे संसार के अंदर जगह जगह शिला प्रभुपाद की दया से लोग सड़कों पर निकलकर उतरकर रथ यात्रा करते हैं। ये भगवान जगन्नाथ आपके हैं, ये आपके हैं जगन्नाथ, ये विदेशी इसका लाभ उठा रहे हैं, ये विदेशी लाभ उठा रहे हैं, इसका हैं आपके विदेशी लाभ उठा रहे हैं। अरे आप भी लाभ उठा लो। नहीं, आवाज बंद हो गई इसकी। Thank you.
इसको बंद कर दो भाई। इनको पैसे नहीं दिए किसी ने ऐसे नृत्य करने के, ये हरि नाम करने का प्रभाव है। जो खुशी ये महसूस कर रहे हैं आप भी कर सकते हो सिर्फ भगवान के नामों का जप करके। ये जो आप रथ यात्रा देख रहे हो, जैसे इस ये रथ यात्रा का वीडियो बना हुआ है हमने आपको दिखाया है, ऐसी आपका भी वीडियो बन सकता है। अभी 4 जुलाई को रथ यात्रा है आपके यहाँ, आपको सबको पता है ना 4 जुलाई को रथ यात्रा है। तो जैसे ये विदेशी इसमें इतने उत्साह से भाग ले रहे हैं, आप सब परिवार समेत मित्रों समेत आप लोग इस रथ यात्रा में भाग लो और इससे भी भव्य रथ यात्रा आप लोग निकालिए। आप लोग सहयोग दीजिए इन सारे भक्तों का कि इससे भी विशाल स्तर पर रथ यात्रा का आयोजन हो यहाँ पर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने 1-2 रथ यात्राएँ एकदम भव्य स्तर पे निकाली
तो विदेशों से लोग आपके यहाँ पर आएंगे, आपसे प्रभावित होकर आपकी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। अगर उन लोगों को खींचकर विदेशियों को आपने यहाँ पर लाना है और यहाँ पर आपके सामने पागलों की तरह अगर आप उनको नृत्य करने देखना चाहते हो, तो आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा खूब भव्य स्तर पर आप इसका आयोजन करो और अपना सर्वस्व झोंक दो और भगवान की सेवा में आप कुछ भी करोगे, आपको कभी कभी आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में बोला था, जो दुष्कृतियाँ, जो भगवान से विमुख हैं, कितना ही बड़ा तालाब बनवा लें उसमें पानी नहीं होता, वो खाली रहता है वो तालाब। तो आप तालाब को खाली मत रखो, उसको भगवत प्रेम से, भगवान की भक्ति से भर दो, ताकि जो उसमें डुबकी लगाए वो निहाल हो जाए, वो एकदम प्रसन्न चित्त हो जाए और जोर जोर से नाच कर बोलना शुरू कर दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।